ठीक है, कोई प्रश्न आप लोगों की ओर से? सर बोलिए। सर मैं प्यांशी बोल रही हूँ। हाँ बताइए। सर मेरा ये हाँ कि सर जब मैं भाव अनुवाद करती हूँ तो वो अनुवाद मेरा काफी बेहतरीन होता है, परंतु सर हाँ मैं बैंकिंग का या फिर राजभाषा इन सब का अगर मैं अनुवाद करती हूँ तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि वो मेरी काफी सही जा रही है, बहुत अच्छा हो रहा है, उसमें मुझे चलिए, काफी मैं नहीं दे रही है प्रियांशी, मेरी। मैं आपकी समस्या का एक हल बताता हूं। देखिए, भावानुवाद हमको कहाँ करना चाहिए? जहां तक बात है प्रशासन की, प्रशासन, बैंक, ठीक है, या तकनीकी क्षेत्र, इन दोनों क्षेत्रों की अपनी शब्दावली होती है। मानती हैं इस बात को? जी प्रशासनिक शब्दों के लिए प्रशासनिक शब्दावली, बैंकिंग के लिए बैंकिंग शब्दावली, तकनीकी शब्दों के लिए तकनीकी शब्दावली। अब आप बैंकिंग क्षेत्र का कोई भी एक शब्द अगर ले लेते हैं, तो बैंकिंग क्षेत्रों के शब्दों की अगर हम बात करते हैं, तो उसमें क्या रहता है? मान लीजिए आरबीआई का कोई भी एक वो ले लीजिए, स्क्रीन नहीं दिख रहा है, मैं एक मिनट स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, सर, तब लेकिन आप समझ। आपने एक बैंकिंग का दिया था वो मैंने आरबीआई ग्रोसरी में जाके ढूंढा जो आपके गली कूचा वाले पे था, लेकिन सर वहां पे हाँ, शब्द नहीं मिले। वो हट गया होगा, मैं फिर से अपडेट कर दूंगा। देखिए, मेरा ये कहना है कि जब भी हम लोग सेंटेंस फॉर्मेशन करते हैं, वाक्य संरचना करते हैं, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तीन चीजें लेते हैं। जी सर, सब्जेक्ट हमेशा, मैंने आपको बताया है, नाउन या प्रोनाउन होता है, नाउन या प्रोनाउन होता है, ठीक है। इसी तरह से ऑब्जेक्ट भी आपको हमेशा नाउन या प्रोनाउन होता है, ठीक जी सर, है। अब हम बात करें प्रशासनिक क्षेत्रों की, बैंकिंग क्षेत्रों की या तकनीकी क्षेत्रों की, इनकी जो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट हैं, वो 90% आपको तकनीकी शब्द रहेंगे। जी सर, तकनीकी शब्द, अगर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तकनीकी शब्द है, तो हमको तकनीकी टेक्निकल शब्द का प्रयोग करना होगा। जी सर, जैसे मान लीजिए आपको एक शब्द आता है कदाचार, प्रशासनिक शब्द है कदाचार। जी कदाचार की हिंदी क्या हो, अंग्रेजी क्या होगी? मिसकंडक्ट। कदाचार का मतलब होता है मिसकंडक्ट। यह शब्द इसके साथ रूढ़ हो जाता है। रूढ़ मतलब जहां भी कदाचार होगा या मिसकंडक्ट होगा, तो आपको कदाचार का ही प्रयोग करना है, ठीक ओके सर, है। उसके बाद मान लीजिए सबऑर्डिनेट लिखा है, सबऑर्डिनेट लिखा है, सबऑर्डिनेट के साथ अधीनस्थ शब्द है, ठीक है। सबॉर्डिनेट के साथ अधीनस्थ शब्द है, कदाचार के साथ मिसकंडक्ट है। अब इन दोनों शब्दों को मिला करके अगर कोई वाक्य बनता है, तो इन शब्दों के लिए तो आप भावानुवाद नहीं कर सकते ना, क्योंकि आपको पता है जो तकनीकी और वैज्ञानिक शब्दावली आयोग ने जो नियम दिया है, उस नियम के अनुसार आपको इन चीजों से नहीं हटना है। और इसी को कहा जाता है पारिभाषिक शब्द। सुना है आप लोगों ने पारिभाषिक शब्द? जी पारिभाषिक शब्द जो है, उनका आपको प्रयोग करना ही करना है, तो यहां भाव नहीं चलेगा। चलेगा क्या? सर, हाँ। अब क्या होता है, अगर हम बात करें वर्ब की, बात करें तो वर्ब दो तरह के होते हैं। अगर हम वर्ब की बात करें एक सेंटेंस फॉर्मेशन के अनुसार, तो एक होता है मेन वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब और दूसरा होता है ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग या वर्ड ऑक्सिलरी, ठीक है। इसी तरह से हिंदी में हम बात करें, तो हिंदी में भी मुख्य क्रिया और ऑक्सिलरी का मतलब है सहायक क्रिया, ठीक है। जैसे मान लेता हूं, हिंदी में मैं बताऊं, अगर भूख शब्द है और लगी है, ये जो भूख है या इसमें मुख्य क्रिया है और लगी है या सहायक क्रिया है, दोनों को मिलकर के क्रिया वाला हिस्सा हमारा पूरा होता है। हिंदी में वाक्य संरचना अगर देखें,
तो यह होता है कर्ता, कर्म और क्रिया, क्रियांत में चला जाता है। तो मतलब यह है कि जब भी आप बैंकिंग शब्द या प्रशासनिक शब्द या तकनीकी शब्द या इस तरह के शब्दों का अनुवाद कर रहे हैं या वाक्य का अनुवाद कर रहे हैं, तो आपको पारिभाषिक शब्द लेना है, पारिभाषिक शब्दावली के शब्द लेना है, तो वहां भाव अनुवाद क्या करेंगे, भाव अनुवाद अधिक से अधिक सिर्फ आप इसका कर सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब का। आई बात समझ में जी? ठीक है, इसलिए आप लोग बेहतर यही होगा कि ऐसे प्रयास करें, जैसे तकनीकी शब्द है उन शब्दों में हम लोग इसीलिए मार खा जाते हैं, कारण क्या है कि हम लोग सही ढंग से शब्दों का चयन नहीं कर पाते हैं। और अनुवाद में अक्सर मैं कहा करता हूं, मैं ही क्या, हर विद्वान यही कहते हैं कि अनुवाद में आपको सही शब्दों का चयन करना आवश्यक है, अन्यथा आपका अनुवाद सही नहीं होगा। ठीक है, चलिए, और किसी का कोई प्रश्न? सर मेरा ही है प्रश्न एक और। हाँ बोलो सर। रात को हम लोग जुड़ रहे हैं क्या? रात को आज 9 बजे? हाँ सर। अरे आज तो शायद होली वगैरह की तैयारियां रहेगी, अगर जुड़ना होगा तो मैं संदेश दे दूंगा एडवांस में, क्योंकि बहुत सारे सर जो टेस्ट दिए ना उसके बहुत सारे प्रश्न गलत हुए और मुझे उसका उत्तर जानना है। आपने कौन बोला कौन से टेस्ट का? सर एक संज्ञा का कल दिया था। सर एक संज्ञा का, सर एक मिनट, मैंने कॉपी में लिख के रखा है, मैं आपको बता। ठीक है, काम करो, जो जिन जिन टेस्ट में डाउट है उनकी लिस्ट आप मुझे भेज दीजिए, ठीक है, मैं देख लेता हूँ क्या है, फिर हम एक कॉमन सत्र रखेंगे, या फिर जो भी प्रश्न पत्र है उनके उसका हम एक रख लेंगे। संज्ञा कितने आए थे, प्रश्न कितने आए थे? सर संज्ञा से तो मतलब नाउन और मतलब इंग्लिश का नाउन और हिंदी का मतलब हिंदी से 20 क्वेश्चंस थे और नाउन से 30 क्वेश्चंस थे, टोटल 50 थे। ठीक है, मैं देखता हूँ, मैंने देखा नहीं, मैं पीडीएफ चेक कर लेता हूँ, शाम को बताऊंगा जो परिस्थितियां रहेंगी उसके अनुसार फिर मैं आप लोगों को, क्योंकि हो सकता है आज दीपक सर भी लेंगे क्लास, दीपक सर का एडिटोरियल रहेगा, तो मान लीजिए आप लोगों को अधिक तकलीफ नहीं देना चाहता ना। ठीक है, एक साथ में मुझे नहीं लगता कि कई क्लास करना उचित रहेगा, थक जाएंगे आप लोग। ठीक है, हाँ बोलिए, नेक्स्ट बोलिए सर। सर हमें हाँ, संधि का ना बहुत टाइम पहले भी टेस्ट हुआ था, तो संधि में हमें बहुत प्रॉब्लम आई थी, जो उसका संधि में प्रॉब्लम आई थी, संधि का हम एक अलग से क्लास करेंगे, उसमें आपकी सारी समस्याओं का हल बताएंगे। ठीक है सर, कल मैंने पारिभाषिक शब्दावली के कुछ पूछा था सर, तो आपने कहा था टेलीग्राम पे डाल दो,